मैं आपको डिलीशियस डोसा के साथ खाने वाली चटनी बना रही हूँ। एक स्पून मैंने तेल डाला है, एक स्पून छोटा मैंने राई डाली है, चार पांच लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ, अपने स्वाद अनुसार हरी मिर्ची डालो जितना तीखा को पसंद है। एक स्पून मैंने पीनट डाल रही हूँ। अब इसमें डाल दो इमली और डाल दो टमाटर। स्वाद अनुसार नमक। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा दो धीमी आंच पर और छोड़ दो। अब 5 मिनट हो गया, 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलो। परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है, सॉफ्ट हो गया हमारे टमाटे। बस इस मिशन को ठंडा होने के लिए रख दे, फिर ग्राइंडर में पीस ले। अब ठंडा हो गया, मैं उसको ग्राइंड कर रही हूँ। ये चटनी हमारी रेडी है। इसके ऊपर चाहिए तो आप राई और करी पत्ता बगा डाल सकते हो। मैं बाद में डालूंगी, आपको वो भी दिखा दूंगी जब सर्व करूंगी।